किसान खिदमत चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुल्क भर में नहरों की सालाना बंदी के हवाले से खबर। ये खबर किसानों के लिए बहुत अहम है ताकि वो इस शेड्यूल को मद्देनजर रखकर अपनी गंदम की फसल को पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। खबर कुछ इस तरह से है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल के आखिर में नहरों की सालाना भल सफाई के लिए कुछ अरसा के लिए नहरें बंद की जाती हैं, और इस साल नहरों की बंदिश का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। सिंध में नहरों की बंदिश की तारीख है 6 जनवरी 2022 से लेके 20 जनवरी 2022 तक, और बंद होने वाली नहरों के नाम ये हैं: नवाबशाह केनाल, खैरपुर केनाल, दादू केनाल, रोही मेन केनाल, नारा केनाल और सखर बिराज से निकलने वाली तमाम नहरें। इसी तरह पंजाब में भी बल सफाई के सिलसिले में नहरें बंद होंगी, और पंजाब में नहरों की बंदिश का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। मंगला डैम की जो तमाम नहरें हैं वो 26 दिसंबर 2021 से लेके 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगी, जबकि तरबेला डैम की तमाम नहरें 31 दिसंबर 2021 से लेके 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगी। तरबेला और मंगला डैम में पानी के बहाव में तातुल की वजह से बिजली की फराहमी भी मुतासिर होगी, और बिजली की सारी पैदावार वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट से होगी, जिससे बिजली की फराहमी मुतासिर हो सकती है।